प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, हमारा फर्स्ट सम है प्रूव दैट ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, यानी इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है। तुम्हारे पास है फर्स्ट गिवन है बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। अब हमने बनाना है ए बी सी, तो हम देखो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, यहां पर है बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। अगर हम इन तीनों को माइनस कर दें, हम ऑपरेशन लगाने लगे सी वन पे, सी वन माइनस सी टू माइनस सी थ्री, सी वन माइनस सी टू माइनस सी थ्री क्या बनेगा, सी वन हमारे पास कितना है बी प्लस सी माइनस माइनस सी माइनस ए माइनस सी थ्री, यानी माइनस ए माइनस बी। तुम्हारे पास बी से बी कट हो गया, सी से सी कट हो गया, क्या बचेगा माइनस ए माइनस ए, माइनस का टू ए बनेगा। हम सी वन पे लगाएंगे, अब यहां पर भी सी वन पे लगाया क्यू प्लस आर माइनस सी टू, सी टू कितना है माइनस आर माइनस पी माइनस सी थ्री माइनस पी माइनस क्यू, आर से आर कट हो गया, क्यू से क्यू कट हो गया, क्या बचेगा माइनस पी माइनस पी माइनस टू पी। हमें चाहिए ए पी इधर एक्स, ये ए बन गया, इधर पी बन रहा है और इधर एक्स चाहिए। अब इन तीनों को माइनस करते हैं, वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, जेड से जेड कट हो गया, वाई से वाई, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स, सी प्लस ए आर प्लस पी बाकी वैसे ही, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब इसमें हम माइनस टू कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस टू कॉमन निकल रहा है फर्स्ट कॉलम में, माइनस टू कॉमन निकल गया, अंदर आ जाएगा ए पी एक्स, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, ये रह गया हमारे पास। अब हम यहां पर बनाने हैं बी क्यू वाई, तो इन दोनों को अगर हम देखें क्या सॉल्व करें कि हमारे पास है? अगर हम यहाँ पर बी क्यू वाई बनाना है और इधर बनाना है सी आर जेड, यहाँ पर सी आर जेड है, यानी हमने खत्म किसको करना है ए पी एक्स को खत्म करना है। अगर इनमें से ए माइनस कर दें सी टू माइनस सी वन, तो ए खत्म हो जाएगा, यहाँ पर पी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक्स खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा सी आर जेड, ये बन जाएगी कॉलम सी आर जेड। और इधर हमने बनाना है बी क्यू वाई, ये बी क्यू वाई है, ए पी एक्स में इधर भी माइनस कर दे, सी थ्री माइनस सी वन कर दे, तो यहां पर क्या बन जाएगा बी क्यू वाई। तो एक तो C2 पे ऑपरेशन लगाने हैं C2 माइनस सी वन, एक C3 पे लगा रहे हैं C3 माइनस सी वन माइनस टू, C2 और C3 पे लगा रहे हैं A P X, C2 माइनस सी वन A से कट हो गया C, इस पे P से P कट हो जाएगा R और इसमें X कट हो जाएगा Z, C3 माइनस सी वन इसमें माइनस किया A कट हो गया B और इन दोनों में P कट हो जाएगा, अकेला क्या बचेगा क्यू और इनमें एक्स खत्म हो जाएगा बचेगा वाई। अब हमें चाहिए ए पी एक्स इधर बी क्यू वाई, यानी हमारे पास सेकंड कॉलम में बी क्यू वाई चाहिए, हमारे पास थर्ड कॉलम में है बी क्यू वाई और थर्ड कॉलम में चाहिए सी आर जेड और हमारे पास सेकंड कॉलम में है सी आर जेड, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने के लिए ऑपरेशन क्या लगाएंगे सी टू इंटरचेंज सी थ्री, तो इंटरचेंज करके जो हमारे पास आएगा, और जब भी इंटरचेंज करते हैं साइन बाहर लगता है माइनस बार साइन माइनस का लगता है, तो साइन चेंज हो जाएगा, या माइनस माइनस कौन सा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इंटरचेंज करने पे, तो ये माइनस माइनस प्लस का टू आ गया ए पी एक्स और ये आ जाएगा बी क्यू वाई और सी आर जेड, ये हमारा प्रूफ हो गया, आंसर आ गया। प्रूफ दैट इसका डिटर्मिनेंट हमने प्रूफ करना है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल, हमें गिवन है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ये इंपॉर्टेंट है सम, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस ई स्क्वायर। अब हम देखो फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन निकल रहा है, ए बाहर निकाल दिया फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में क्या कॉमन निकल रहा है बी एंड थर्ड कॉलम में क्या कॉमन निकल रहा है सी कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या रह जाएगा जब हमने ए कॉमन निकाल दिया, अंदर ए के बच गया माइनस ए, ए निकल गया बी रह जाएगा, यहां से ए कॉमन निकल गया सी रह जाएगा, नेक्स्ट में बी कॉमन निकल रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा यहां पर ए माइनस बी सी और सी कॉमन निकालने पे ए बी माइनस सी, ये रह जाएगा।
अब हम इसमें दो जीरो बनाते हैं, जैसे कि इसमें ऑपरेट कर देते हैं कि C1 और C2 को प्लस करेंगे, यहाँ पर C1 पे ऑपरेट लगाएंगे, C1 प्लस C2 ये जीरो बन जाएगी और B-B ये भी क्या बन जाएगा, जीरो। तो जीरो बनाने पे C1 पे ऑपरेट लगाएंगे, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 क्या, माइनस A प्लस A जीरो, B-B जीरो, C प्लस C 2C, बाकी वैसे A-B C AB-C। अब दो जीरो बन गया, अब हम इसको डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड कर देंगे, ए बी सी एक्सपेंड करेंगे। जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, वो तो खत्म हो जाएगा डिटर्मिनेंट में। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम पे रखेंगे, साइन यहां कौन सा है, माइनस का, यहां कौन सा है प्लस का, तो माइनस का ए अंदर क्या रह जाएगा, इसको छोड़ के जीरो बी टू सी माइनस सी, जीरो बी टू सी माइनस सी, और प्लस ए जब हम रखेंगे अंदर क्या रह जाएगा, जीरो माइनस बी टू सी सी, जीरो माइनस बी टू सी सी। इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस सी को जीरो से किया जीरो, माइनस टू सी को बी से मल्टीप्लाई किया माइनस टू सी बी, प्लस ए सी को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, इसको किया माइनस और माइनस माइनस प्लस टू सी बी आ गया, ये माइनस माइनस प्लस टू ए बी सी आ गया, प्लस यहां पर भी टू ए बी सी, टू ए बी सी कितना हो गया हमारे पास, फोर ए बी सी, मल्टीप्लाई किया फोर, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्रूफ होगी राइट हैंड साइड, ये आंसर आ गया। प्रूफ दैट इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल प्रूफ करना है, और ये भी इक्वल है, ये नहीं ये भी प्रूफ करना है। तो ये इंपॉर्टेंट सम है, सबसे पहले हमें गिवन है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं, हमने बनाना है 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी और बार ए बी सी। हमने यहां पर 1 प्लस यहां पर बनाना है 1 बाय ए, ए की जगह 1 बाय ए बनाना है, बी की जगह 1 बाय बी और सी की जगह 1 बाय सी। तो हम क्या करेंगे कि बाहर ए बी सी चाहिए, ए से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट कॉलम को ए से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट कॉलम को ए से डिवाइड कर दिया, वन बाय ए वन बाय ए, ए से मल्टीप्लाई और फर्स्ट कॉलम को ए से डिवाइड कर दिया, बी से मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम को डिवाइड कर दिया बी के साथ, वन प्लस सभी के साथ बी से डिवाइड कर दिया वन बाय बी, और जो हमारे पास थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई किया सी से डिवाइड कर दिया वन बाय सी वन बाय सी वन प्लस सी बाय सी। क्या बनेगा हमारे पास ए बी सी, बेस अलग अलग कर दिए, जब बेस अलग अलग कर दिए क्या आ जाएगा वन बाय ए प्लस ए बाय ए कितना होता है वन, वन बाय ए वन बाय ए, इधर वन बाय बी बेस अलग अलग कर दिए वन बाय बी प्लस वन वन बाय बी, वन बाय सी वन बाय सी बेस अलग अलग किया यहां बनेगा वन बाय सी प्लस वन। अब हम बनाना चाहते हैं 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, यानी C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, हमारे पास क्या बनेगा ए बी सी, C1 पे लगाया तो जब हम तीनों को प्लस करें क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी बनेगा। फिर इधर C1 में ऑपरेट किया यहां पर भी क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, सेम बनेगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, और यहां पर भी 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, C1 पे ऑपरेशन किया। और C2 C3 वैसे C2 कॉलम क्या है 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 और थर्ड वाला 1 बाय बी, C3 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। अब हम फर्स्ट कॉलम में कॉमन क्या निकल रहा है, फर्स्ट कॉलम में कॉमन निकल रहा है 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, फर्स्ट कॉलम में निकाल दिया, अंदर क्या रह गया 1 1 1 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 1 बाय बी
वन बाय सी, वन बाय सी, वन बाय सी प्लस वन, ये अंदर आ जाएगा। अब हम किसी भी दो को जीरो बनाएंगे, दो वन को, जैसे हम ऑपरेट करेंगे आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन, जीरो बनाने लगे हैं, आर टू पे किया, आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री पे लगाया आर थ्री माइनस आर वन, ये ऑपरेट किया। ए बी सी वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी, आर टू माइनस आर वन, आर वन वैसे ही है वन, वन बाय बी, वन बाय सी, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस बी प्लस वन में से आर टू माइनस आर वन किया, वन बाय बी से वन बाय बी कट हो गया, अकेला क्या बचेगा वन, और इसमें से माइनस किया वन बाय सी से वन बाय सी जीरो, फिर आर थ्री माइनस आर वन यानी वन माइनस वन जीरो, वन बाय बी माइनस वन बाय बी जीरो, इसमें से माइनस किया वन बाय सी से वन बाय सी कट हो गया, अकेला क्या बचेगा वन बचेगा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड किया ए बी सी वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी, यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे एक्सपेंड किया, जब हमने अंदर क्या नंबर बचेंगे वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन, जब हम माइनस वन बाय बी रखेंगे, माइनस का वन बाय बी एक्सपेंड करेंगे इस रो और कॉलम को छोड़ के, जीरो 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 वन, जीरो 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 वन, थर्ड वन बाय सी को रखेंगे तो हमारे पास बचेगा जीरो वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, यह आ जाएगा ए बी सी वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया क्या बचेगा वन, इसको सॉल्व किया ये तो जीरो आ गया, और इसको सॉल्व किया ये भी क्या आ जाएगा जीरो, केला बचेगा वन, वन को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ए बी सी वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय सी प्लस वन बाय सी, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ हमने करना है ये वाला, सेकंड प्रूफ करने के लिए देखो ए बी सी यहां पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया ए बी सी एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ नीचे वन है, ए बी सी को वन से मल्टीप्लाई किया ए बी सी प्लस, यहां पर ए है क्या टर्म नहीं है ये बी सी, बी सी को वन से मल्टीप्लाई किया बी सी, यहां पर डी है एसी ऊपर आ जाएगा, और यहां पर सेम क्या सी ऊपर मल्टीप्लाई होकर ए बी बन जाएगा, ये एबीसी से एबीसी कट हो गया, ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ हो गया, ये आंसर हो गया। सॉल्व द इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो के इक्वल गिवन है, और हमने इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट गिवन है थ्री एक्स माइनस एट, थ्री थ्री थ्री, थ्री एक्स माइनस एट, थ्री थ्री थ्री, थ्री एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, ये हमें गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो नंबर है हमारे पास हर रो में सेम है, जैसे थ्री थ्री और थ्री एक्स माइनस एट, यहाँ पर भी थ्री थ्री, थ्री एक्स माइनस एट, यहाँ पर भी थ्री थ्री, थ्री एक्स माइनस वन, अगर ऐसे नंबर सेम आ जाए तो हम सभी को प्लस करके एक सेम नंबर बना लेंगे, आर वन पे भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, सी वन पे भी, जैसे मैं आर वन पे लगाने लगी हूँ कि तीनों रो को प्लस करूंगी, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जब हम तीनों को प्लस करेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी कि थ्री एक्स माइनस एट प्लस थ्री प्लस थ्री, तीनों को प्लस किया कितना बनेगा थ्री एक्स माइनस एट प्लस सिक्स माइनस टू, थ्री एक्स माइनस टू बनेगा आर वन पे, सिमिलरली इस पे भी प्लस कर सकते हैं और इस पे भी प्लस करेंगे, यही नंबर बनेगा थ्री एक्स माइनस टू, सेम नंबर बनेगा, तो यहाँ पर नंबर बनेगा आर वन पे थ्री एक्स माइनस टू, इधर भी थ्री एक्स माइनस टू, और इधर भी थ्री एक्स माइनस टू आर वन पे बनेगा, और आर टू आर थ्री वैसे थ्री थ्री एक्स माइनस एट, थ्री थ्री थ्री, थ्री एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, फर्स्ट रो में क्या कॉमन निकल रहा है थ्री एक्स माइनस टू, कॉमन निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा वन वन वन, थ्री थ्री एक्स माइनस एट, थ्री थ्री थ्री, थ्री एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। जब वन बन गया तो इसमें से दो नंबर को जीरो करना है, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम पे C2 पे C2 माइनस C1, और C3 पे भी लगाना है C3 माइनस C1, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, हमारे पास जो नंबर आएगा 3x माइनस टू, C2 और C3 पे लगाने हैं तो C1 वैसे ही 1 3 3, C2 माइनस C1 1 माइनस 1
जीरो, थ्री एक्स माइनस एट में से माइनस कर दिए थ्री, बचेगा थ्री एक्स माइनस इलेवन, थ्री माइनस थ्री जीरो। अब सी थ्री माइनस सी वन, वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, थ्री एक्स माइनस एट में से माइनस कर दिए थ्री, थ्री एक्स माइनस इलेवन। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, थ्री एक्स माइनस टू, टू जीरो बन गई, अब इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रखेंगे, हमारे पास जो नंबर आएगा बाहर तो वन है, अंदर क्या रह जाएगा थ्री एक्स माइनस इलेवन, जीरो जीरो थ्री एक्स माइनस इलेवन, बाकी ये तो जीरो है तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू बस ये नंबर बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं, थ्री एक्स इक्वल टू जीरो चल रहा था साथ में, इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स माइनस इलेवन का होल स्केयर आ जाएगा जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू जीरो, और इसको इसके साथ करेंगे तो जीरो ही है। थ्री एक्स माइनस टू दोनों की प्रोडक्ट जीरो है, यानी कि थ्री एक्स माइनस टू जीरो और थ्री एक्स माइनस इलेवन द होल स्केयर इज इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू टू बाय थ्री आ गई। यहां पर इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स इज इक्वल टू इलेवन, एक्स की वैल्यू इलेवन बाय थ्री, यहां पर भी सेम x की वैल्यू 11 बाय थ्री। तो x की वैल्यूज आ गई दो, एक तो x की वैल्यू आ गई 2 बाय थ्री, एक क्या आ गई 11 बाय थ्री, ये हमारा आंसर आ गया।